जनवरी 5, बरेली। बरेली एयरपोर्ट के सामने होटल रेडिसन पर 1 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ओपी चौबे के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी अफसर 2 दिन से होटल के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। होटल के काफी रिकॉर्ड बिल जब्त किए गए हैं। कागजों की छानबीन और सत्यापन किया जा रहा है। बरेली से लेकर मुंबई तक खलबली है। होटल मालिक अक्सर मुंबई रहते हैं। गुरुवार को रेडिसन पहुंची थी जीएसटी टीम। शुक्रवार तक जारी रही कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ओपी चौबे ने बताया कि होटल रेडिसन की जांच के लिए एसआईबी रेंज और रेंज की बी की टीम को लगाया गया है। जांच में होटल के जीएम ऑफ अन्य स्टाफ से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि 700 पॉप सीआई से अधिक प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से बुकिंग की जाती है, जिस पर 12% जीएसटी वसूला जाता है। व्यापारी रेस्टोरेंट पर भी 5% की दर से टैक्स वसूल करते हैं, जबकि 18% टैक्स लगता है। लॉन एयर बैंक्वेट हॉल की बुकिंग और कैटरिंग पर भी 5% की दर से टैक्स दिया गया है, जबकि इस पर भी 18% टैक्स देना चाहिए। साल 2022-23 और 2023-24 को मिलाकर होटल रेडिसन पर लगभग 1 करोड़ की टैक्स चोरी लगाई गई है।